एक और लाइक का बटन दबा दीजिए। क्या आप जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाला असली राजा कौन था? एनी गेस, कौन था वो राजा जिसके राजगद्दी पर बैठने के बाद उनके श्रीमुख से देववाणी ही निकलती थी और देववाणी से न्याय होता था? कौन था वो राजा? अभी तक कुछ याद आया, कुछ पता है, नाम सुना है, या अकबर बीरबल की खिचड़ी में ही रह गए जिसके राज्य में अधर्म का संपूर्ण नाश हो गया था? कौन था वो राजा? महाराज विक्रमादित्य। बड़े ही दुख की बात है कि महाराज विक्रमादित्य के बारे में देश के लगभग लगभग शून्य बराबर ज्ञान है, नहीं पता ना, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और स्वर्णिम काल लेकर आए थे। दोस्तों, उज्जैन के राजा थे गंधर्व सेन, जिनके 3 संतानें थी। नाम नहीं पता होगा। सबसे बड़ी लड़की थी मैनावती, उससे छोटा लड़का था जिसका नाम था भृतहरि, और सबसे छोटा वीर विक्रमादित्य। नहीं पता होगा विक्रम की माता का नाम क्या था? सौम्य दर्शन, जिन्हें वीरमती और मदन रेखा भी कहते थे। बहन मैनावती की शादी थारा नगरी के राजा पदम सेन के साथ कर दी, जिनके एक लड़का हुआ जिनका नाम था गोपीचंद। आगे चलकर गोपीचंद ने श्री ज्वालिंदर नाथ जी से योग दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। फिर मैनावती ने भी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से योग दीक्षा ली थी। अब कुछ कुछ सिमिलर आ रहा होगा, आइए आइए, इतनी जल्दी बाजे क्या है, ध्यान से सुनते जाइए, शेयर का बटन दबा दीजिएगा। दोस्तों, विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे जो अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने पूरे एशिया पर अपना शासन व्यवस्थित किया था। अरब पर इनके शासन का प्रमाण सायर उल ओकुल ग्रंथ के पृष्ठ संख्या 315 से मिलता है। आप उस ग्रंथ के पन्नों को पलटिए। इस ग्रंथ की रचना अरबी कवि जरहाम कितनोई ने की है। यह ग्रंथ वर्तमान में इस्तांबुल शहर के प्रसिद्ध पुस्तकालय मकतबे सुल्तानिया में स्थित है। सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। उनके पराक्रम को देखकर ही उन्हें महान सम्राट कहा गया और उनके नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई। उपाधि समझते हैं आप? विक्रमादित्य की उपाधि भारतीय इतिहास में बाद के कई अन्य राजाओं ने प्राप्त की थी, जिनमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो हेमू के नाम से प्रसिद्ध थे, उल्लेखनीय हैं। विक्रमादित्य के पूरे दरबार में नवरत्न रहते थे। कहना चाहिए कि 9 रत्नों रखने की परंपरा का प्रारंभ भी उन्होंने ही किया था। दोस्तों, उनके अनुसरण करते हुए कृष्ण देव राय और अकबर भी 9 रत्न रखे थे। सम्राट अशोक के दरबार में भी 9 रत्न रखे थे। विक्रमादित्य के 9 रत्नों का नाम जानते हैं आप? आइए, नंबर 1 धनवंतरी, नंबर 2 छिपाका, नंबर 3 अमर सिन्हा, नंबर 4 शंकु, 5 बेताल भट्ट, 6 घट कारपारा, 7 कालिदासा, 8 वारामिहिर और 9 वररुचि। महाकवि कालिदास की पुस्तक ज्योतिर्विद भरण के अनुसार उनके पास 30 मिलियन सैनिकों, 100 मिलियन विभिन्न वाहनों और 25,000 हाथी और 400,000 समुद्री जहाजों की एक सेना थी। दोस्तों, कहते हैं कि उन्होंने ही विश्व में सर्वप्रथम 1700 मील की विश्व की सबसे लंबी सड़क बनाई थी, जिसके चलते विश्व व्यापार सुगम हो चला था, आसान, बहुत इजी। आज ये देश और यहाँ की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के कारण अस्तित्व में है। इस बारे में ज्ञात है आप? अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, शायद ये इतिहास के किताबों में भी पढ़ाया गया था, और बौद्ध धर्म बनकर 25 साल राज किया था। भारत में तब सनातन धर्म लगभग समाप्ति पर आ गया था। दोस्तों, जी हाँ, आप बहुत चौंक रहे होंगे सुनकर कि मैं क्या कह रही हूँ। देश में बौद्ध और अन्य
हो चुके थे, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे, बिल्कुल खोने से लग गए थे। महाराज विक्रम ने ही पुनः उनकी खोज करवाकर उसे स्थापित किया, विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए और सनातन धर्म की फिर से संरक्षण किया, बचाया। विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से एक कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा। अभिज्ञान शकुंतलम का नाम शायद कुछ सनातनियों ने पहले भी सुन रखा होगा, जिसमें भारत का इतिहास है, अन्यथा भारत का इतिहास कहा क्या। मित्रों, हम भगवान कृष्ण राम को ही खो चुके थे, हमारे ग्रंथ ही भारत में खोने के कगार पर आ गए थे। बहुत चौंकाने वाली बात बता रही हूं मैं आपको। उस समय उज्जैन के राजा भृतहरि ने राज छोड़कर श्री गुरु गोरक्षनाथ जी के योग की दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए और अपना सारा राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। वीर विक्रमादित्य भी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभालने लगे और आज उन्हीं के कारण, हाँ मैं फिर से बार बार दोहराऊंगी, आज उन्हीं के वजह से, उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर बची हुई है। आर हेरिटेज, आर कल्चर इज स्टिल सेफ बिकॉज ऑफ हिम। महाराज विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया है, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाई। उनके राज को ही भारत का स्वर्णिम राज कहा जाता है। दोस्तों, विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। एक वो वक्त था, भारत में इतना सोना आ गया था, इतना अधिक सोना था कि वो सोना नहीं, गोल्ड, सब लोग सो जाओ, गोल्ड। विक्रमादित्य काल में सोने के सिक्के चलते थे। आप गूगल इमेज कर विक्रमादित्य के सोने के सिक्के देख सकते हैं कि किस तरह के सोने के सिक्के उस वक्त होते थे, किस तरह के सोने के सिक्के पाए जाते थे उनके काल में। कैलेंडर जो विक्रम संवत लिखा जाता है वह भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है, हमें उसे फिर से लाना है। आज जो भी ज्योतिष गणना है, जैसे हिंदी संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि, उन्हीं की रचना है। वे बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और इतना ही नहीं, बहुत ही बुद्धिमान राजा थे। कई बार तो देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्म शास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय, राज, सब धर्म शास्त्र के नियमों पर चलता था। आप इससे उनका छवि अपने मस्तिष्क में खुद निर्माण कर सकते हैं। विक्रमादित्य का काल प्रभु श्री राम के राज के बाद सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जहां प्रजा धनी थे, जहां प्रजा खुश थे और धर्म पर चलने वाले थे। बड़े दुख की बात है कि भारत के सबसे महानतम राजा विक्रमादित्य के बारे में हमारे विद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं कोई स्थान नहीं है, कोई उचित स्थान ही नहीं दिया गया उन्हें। देश को अकबर, बाबर, औरंगजेब जैसे दरिंदों और आक्रांताओं का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, उन्हें महान बता। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हर उस योगी समर्थक तक भी पहुंचाइए जो योगी जी का खुद को प्रशंसक बताते हैं। हम भी तो देखें कि कितना जानते हैं आप योगी आदित्यनाथ के बारे में और कितना चाहते हैं आप कि इतिहास का वो सच जो हम तक आज तक पहुंचा ही नहीं, वो किस तरह से सनातनियों के पास पहुंचना चाहिए, उसकी कोशिश, उसका प्रयास अब आपको करना पड़ेगा। मैं, हमारी पूरी टीम कोशिश करती है ऐसे कई सच को उजागर करने की जिनके बारे में आपने ना पढ़ा ना आपको बताया गया, जिन्हें हमेशा गुप्त और अंधेरे में गुम करने का प्रयास किया गया। आपसे निवेदन करूंगी कि आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, लोगों तक अवश्य इस वीडियो को पहुंचाएं और अपने क्षमता, अपने योग्य के अनुसार
अपनी प्रसन्नता के अनुसार जितना भी आप समर्थन हमें करेंगे, हमारी टीम के मनोबल और दोगुनी होगी और अच्छा काम करेंगे। आप चैनल पे यूं ही बने रहें और अपना समर्थन देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।